A circular wire frame of radius r is floating on the surface of liquid of surface tension s. The force required to just pull out the frame from the liquid is. हमारे पास एक फ्रेम है तो ये पानी में है ना, और सर्कुलर फ्रेम है, इसकी दो सर्फेसेज है, कुछ थिकनेस है और थिकनेस करके दो सर्फेसेज है। अब जब ये पानी में होगा, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमको कह रहा है, फ्लोट कर रहा है वो पानी में, ठीक है, और इस पानी की सरफेस टेंशन है एस, राइट, और इसकी रेडियस है आर। अब होगा क्या, वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर इसके ऊपर कुछ राइज कर जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कवर अप करके रहेगा इसको यहाँ से ऐसे कुछ, तो सरफेस टेंशन लगेगी इधर और इधर, दोनों तरफ सरफेस टेंशन आएगी। आई होप आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि सरफेस टेंशन कैसे आएगी, दोनों तरफ लगेगी सरफेस टेंशन, ठीक है, तो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये टेंशन, तो ऐसे सरफेस टेंशन ऐसे आ जाएगी आपकी, राइट। तो इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के। अब इस पूरी की लेंथ कितनी है, इस पूरे की लेंथ है 2πr, ठीक है, 2πr इसकी टोटल लेंथ है, 2πr सरफेस टेंशन है एस। अब ये जो एक्चुअल में जो टेंशन लग रही है, इसको ऊपर पुल करने के लिए, इसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए मुझे जो नीचे फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमको ये आपको पता लग गया कि ये ऐसे लग रही है आपकी सरफेस टेंशन, ये आपको समझ में आ गया कि पूरी रिंग पे लग रही है, हर जगह लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, अंदर वाले पे भी और बाहर वाले पे भी। तो क्योंकि दोनों सरफेसेस पे लग रही है इसलिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह 4πr इंटू एस। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ये फ्लोट कर रही है, तो ऊपर जितनी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, ये फोर्स कौन सा है ये वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सरफेस टेंशन वाला, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तभी तो क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि ये फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, जितना ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स है, जितना ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स है उतना ही नीचे वेट है, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना इसका वेट है उतना ही ऊपर फोर्स लगा दूँ तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी मुझे इतना ही लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको लिफ्ट कर लूँ। तो ये फोर्स जो है ये सरफेस टेंशन का फोर्स है और यही इसके वेट के बराबर होगा और इतना ही मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा तो मैं इसको लिफ्ट कर लूँगा।